जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, माता के नवरात्रि में कई प्रकार के तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में पान के पत्तों से किए जाने वाले 10 सटीक, सरल और अचूक उपाय शेयर करने जा रहे हैं। ये उपाय काफ़ी चमत्कारी उपाय हैं, प्राचीन उपाय हैं, आजमाए हुए उपाय हैं और यदि आप पूरी श्रद्धा भाव से इन उपायों को करके देखते हैं तो निश्चित ही आपको इसका फल देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, नवरात्रि में आप पान का एक पत्ता लीजिए और गुलाब की पंखुड़िया उस पत्ते पर रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। ये उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, धन के आगमन को सरल बनाने के लिए सबसे सटीक और सरल उपाय है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगला उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। नवरात्रि के मंगलवार के दिन आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है। इसमें लौंग और इलायची रखनी है। इसका बीड़ा बनाकर आपको ये बीड़ा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित करके आना है। ये उपाय कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक अचूक उपाय है। तो जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगला उपाय, पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर इसे दोनों हाथों से आपको नवरात्रि में जल में प्रवाहित करके आना है। यदि आपकी कोई बरसों से ख्वाहिश अधूरी चल रही है, इस उपाय से आपकी वो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अगला उपाय, पान का एक पत्ता लीजिए और पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से आपको इस पर श्री राम लिखना है। तो पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से श्री राम लिखिए और नवरात्रि में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष इसको आपको अर्पित करना है। याद रखिए, इसे हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वे अपने चरणों में श्री प्रभु राम को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस पान के पत्ते को सिर्फ उनके समक्ष रख दीजिए या फिर आशीर्वाद की मुद्रा वाले हाथ पर चिपका दीजिए। ये उपाय जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए सटीक उपाय है। इसी उपाय को आप थोड़ा और बढ़ाकर भी कर सकते हैं। पान के आपको 11 पत्ते लेना है और सिंदूर से श्री राम लिखिए और इसकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए। ये काफ़ी चमत्कारी उपाय है, इससे आपको मन वांछित फल प्राप्त होता है। अगला उपाय, यदि आपकी मनचाही तरक्की रुकी हुई है तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। ये उपाय तरक्की के रास्तों को खोलने वाला उपाय माना जाता है। तो इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है। जी हाँ, पान का एक पत्ता लीजिए और सरसों का तेल लगाइए दोनों तरफ और इसे नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करना है। माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद अपने सिर के पास रखकर इसे सो जाना है। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर में पीछे की तरफ रखकर आ जाइए। फेंकना नहीं है, रखकर आना है, चुपचाप करना है। ये उपाय आपकी तरक्की के रास्ते खोलने वाला उपाय है। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में मंदी से काफ़ी परेशान हैं। उन्हें इस उपाय को 9 दिनों तक नियम से करना है, एक ही समय पर करना है। तो एक ही समय पर पान का बीड़ा लीजिए और माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर इसे अर्पित करके आना है। बिल्कुल सरल उपाय है। ध्यान रखिए, एक ही सुनिश्चित समय आपको तय कर लेना है। यदि आप सुबह 9 बजे करते हैं तो रोजाना सुबह 9 बजे ही करना है। इस उपाय से व्यापार की मंदी दूर होगी और व्यापार आपका सफलता की ओर चलने लगेगा। ये काफ़ी सरल उपाय है, करके देख लीजिए। अगला उपाय, यदि आप अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिनों तक प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान लगाइए और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक कीजिए। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ने लगेगा, आपकी खूबसूरती में वृद्धि होने लगेगी। ये काफ़ी सरल उपाय है। अगला उपाय, ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, दरिद्रता, घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्हें नवरात्रि के प्रारंभ के 5 दिनों तक एक पान के पत्ते पर ह्रीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करना है। जी हाँ, नवरात्रि के प्रारंभिक 5 दिनों तक एक पान का पत्ता लीजिए और रोजाना आपको इस पर ह्रीम लिखना है। आप सिंदूर से इस पर लिख सकते हैं और माँ दुर्गा को अर्पित करना है। इसके बाद में महानवमी के बाद उन 5 पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख देना है, यानी कि इन पत्तों को फेंकना नहीं है, सुरक्षित रख लेना है और महानवमी के बाद में इन 5 पत्तों को अपने धन स्थान पर रख लेना है। ये उपाय काफ़ी चमत्कारी उपाय माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि तेज़ी से आने लगती है। अगला उपाय, घर में नकारात्मक ऊर्जा
को दूर करने के लिए है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो घर में अशांति रहती है, घर की शांति प्रभावित होती है। ये उपाय आपको नवरात्रि में 9 दिनों तक करना है। नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखनी है आपको, और केसर रखकर दुर्गा स्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करना है। बड़ा ही सरल उपाय है। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। नवरात्रि से दुर्गा चालीसा आपको कंठस्थ कर लेनी है और हर दिन घर से निकलते समय इसका पाठ करना है। हर मंगलवार को और रविवार को परिवार के 5 सदस्यों को पान का सेवन करना है। पान का सेवन करना है, इसमें सुपारी कत्था वगैरह ऐसा कुछ लगाना नहीं है, पान का सेवन करना है। अगला उपाय और आखिरी उपाय है संतान के लिए। जो लोग संतान के अभिलाषी हैं, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 9 पान अर्पित करने हैं। जी हाँ, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को आपको 9 पान, साबुत पान, डंडी वाले पान अर्पित करने हैं। 9 सुहागिन संतानवती स्त्रियों को समस्त सुहाग की सामग्री आपको भेंट करनी है। ये 5वें दिन करना है। तो ये बड़े ही सरल उपाय हैं, 10 उपाय जो पान के पत्तों से जुड़े हैं, हमने संग्रहित करके आपको शेयर किए हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ छिन्नमस्तिका, जय जय भैरवी।